राजसमंद शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रिमझिम से तेज और झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। दो दिन पहले देवगढ़ में हुई भारी बारिश के बाद वहां पर तबाही के हालात उत्पन्न हुए हैं। वहां पर अब तबाही देखी जा रही है। कई सड़कें वहां पर टूट गई हैं, कई विद्युत पोल टूट गए हैं, कई गाँव आज भी अंधेरे में हैं। ऐसे हालात देवगढ़ तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों के बने हुए हैं, शहर के बने हुए हैं, जहां पर आज कई पुलिया ऐसे क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही खतरे में पड़ गई है। यही स्थिति अन्य जगहों पर भी है। बारिश का दौर अभी भी जारी है और ख़ास तौर से गढ़बोर तहसील क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश हुई, जहां पर करीब 36 mm बारिश दर्ज की गई और इसके साथ ही उमरवास और आसपास के इलाके में जितने भी तालाब नदी नाले हैं सभी उफान पर बहने लगे और इसका असर गोमती नदी पर पड़ा और गोमती नदी फिर तेज बहाव पर बहने लगी। अभी गोमती नदी 1 फीट से ज़्यादा 13 इंच की चादर अभी तासोल पुलिया पर चल रही हैं। तासोल पुलिया पर काफ़ी पानी बहने की वजह से लोगों की आवाजाही फिलहाल बंद कर रखी हैं। यही स्थिति अन्य पुलियाओं की भी हैं, लेकिन फिर भी लोग आ जा रहे हैं। बागुंदरा खटामला पुलिया पर भी ऐसे ही हालात उत्पन्न हो रहे हैं, जहां पर रात को एक स्कूटी बह गई। हालाँकि जो स्कूटी सवार थे वो बच गए थे, वो स्कूटी अभी भी नदी में है। लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लेकिन लोग सतर्क नहीं हैं, सावधान नहीं हैं। हालांकि बागुंदरा और खटामला पुलिया पर लोगों की आवाजाही अब भी जारी है, लेकिन तासोल जो पुलिया है उस पर लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। पानी का बहाव काफ़ी तेज होने से जोखिम बड़ा हो सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए तासोल पुलिया पर लोगों की आवाजाही बंद की है। पूरी नदी उफान पर हो चल रही है और अभी मुख्य रूप से बात करें तो बनास नदी का पानी भी पूर्ण रूप वेग से बह रहा है और इसी का नतीजा है कि जो मातृकुंडिया बांध है वह भी लबालब हो गया है और कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में अब उसके गेट खोले जा सकते हैं। खास तौर से मातृकुंडिया बांध लबालब भर चुका है, जो कि 22.5 फीट की भराव क्षमता का है और अब तक करीब 22 फीट के आसपास पानी भर चुका है। इसको लेकर सिंचाई विभाग द्वारा पहले ही आम जन को अलर्ट कर दिया है, सावधान कर दिया है कि वे सतर्क हो जाएं, कभी भी गेट खोले जा सकते हैं। मेजा बांध के लिए पानी जाएगा और साथ ही चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में भी इसका पानी जाता है। जैसे ही ये बांध भरता है तो खास तौर से राजसमंद जिले की सरहद पर जो स्थित गांव हैं गिलोंड, कुंडिया और जवासे, आसपास के गाँवों के खेत और आबादी क्षेत्र में भी पानी आ जाता है, जिसकी वजह से क्षेत्रीय लोग काफ़ी परेशान हैं। इसको लेकर लंबे समय से क्षेत्रीय लोगों ने आवाज़ भी उठाई, सरकार तक अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसको लेकर क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र में बारिश की स्थिति अगर देखी जाए तो मुख्य रूप से राजसमंद जिले की तहसीलवार बारिश की स्थिति आपको बता दें कि कितनी बारिश हुई है। रविवार सुबह 8 बजे जल संसाधन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश गढ़बोर तहसील क्षेत्र में 36 mm दर्ज की गई है। आमेट तहसील क्षेत्र में 1 mm बारिश हुई है, देलवाड़ा में 35 mm हुई है, देवगढ़ में 32 mm, गढ़बोर तहसील क्षेत्र में 36 mm, केलवाड़ा कुंभलगढ़ में 21 mm, कुंवरिया में 8 mm, नाथद्वारा में 1 mm, रेलमगरा तहसील क्षेत्र में 7 mm और राजसमंद तहसील क्षेत्र में 2 mm बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भीम और खमनौर तहसील क्षेत्र में कोई बारिश नहीं हुई है। और अब अगर तालाब बांधों की स्थिति देखी जाए तो सबसे पहले बात करते हैं मातृकुंडिया बांध, जो कि 22 फीट के करीब पहुंच गया है और कुछ ही देर में जल संसाधन यानी सिंचाई विभाग द्वारा उसके गेट खोले जा सकते हैं। बनास नदी, गोमती नदी, खारी नदी और चंद्रभागा नदियों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। राजसमंद झील में जो 30 फीट की भराव क्षमता है अब तक 20 फीट पानी भर चुका है और लगातार पानी की आवक जारी है। इसके अलावा माताजी का खेड़ा जो कि 21 फीट भराव क्षमता का है 9.90 फीट भर चुका है। देवरी खेड़ा तालाब 13 फीट का है 1.50 फीट भर चुका है। भराई तालाब जो 17 फीट का है 9.25 फीट भर चुका है। सांसेरा तालाब 11 फीट का है 5.80 फीट भर चुका है। मनोर सागर तालाब जो कि सरदारगढ़ में स्थित है 11 फीट की भराव क्षमता है 7.25 फीट भर चुका है। इसके अलावा देवगढ़ का कुंडेली बांध, कालाभाटा देवगढ़ बांध ये ओवरफ्लो चल रहे हैं। नंदसमंद बांध जो कि पहले से ही ओवरफ्लो है 32 फीट की भराव क्षमता है, ओवरफ्लो चल रहा है। खारी फीडर में उसका पानी लगातार बना हुआ है। बनास नदी में भी पानी चल रहा है और
खास तौर से भरी बांधी बांध में भी उस फीडर के माध्यम से पानी जा रहा है। इस पर अभी 6 इंच की चादर चल रही हैं, 5-5 फीट गेट खुले हुए हैं जो कि बनास नदी में पानी जा रहा है। इधर खारी फीडर में राजसमंद झील में करीब 5.5 फीट खारी फीडर को खोल रखी है जो कि झील में लगातार उसका पानी आ रहा है। चिकलवास बांध जो 64 फीट की भराव क्षमता है और वह अब 63.5 फीट भर चुका है और अब आधा फीट ही खाली रहा है और कुछ ये शाम तक बताया जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि यही इसी रफ्तार से पानी की आवक बनी रही तो हो सकता है शाम या रात तक चिकलवास बांध भी छलक सकता है। भीम का भोपाल सागर सागर पहले से ओवरफ्लो है। इधर राजसमंद में कुंवरिया तालाब जो कि 7 फीट की भराव क्षमता का है अभी उसमें 1.25 फीट पानी की आवक हुई है। लालपुर जो 6 फीट की भराव क्षमता का है उसमें 2 फीट पानी की आवक हुई है। इसके अलावा खंडेल का तालाब भी लगभग लबालब हो चुका है और कभी भी छलक सकता है। देवगढ़ के नीमजर तालाब में 23 फीट की भराव क्षमता का है जो कि ओवरफ्लो चल रहा है। कोठवा पिकअप वियर नाथों द्वारा भी ओवरफ्लो चल रहा है। भीम टैंक, भीम रपट, बड़ा तालाब भीम जो भीम रपट और ये तो ओवरफ्लो है और बड़ा तालाब भीम जो कि 8.5 फीट भराव क्षमता का है 6 फीट भर चुका है। इधर बागेरी नाका बांध की बात करें तो वहाँ पर अभी कुल मिला के 11 इंच की चादर चल रही है, 1 फीट की कल थी और आज कुछ पानी कम हुआ है। बनास नदी में हल्का सा गाँव में पानी कम हुआ है तो दूसरी तरफ गोमती नदी में पानी काफ़ी बढ़ गया है। कल 1 फीट की चादर तासोल पुलिया पर थी और आज 1 फीट से ज़्यादा 13 इंच की चादर तासोल पुलिया पर चल रही है। राजसमंद जिले में रिमझिम से तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। इसके चलते देवगढ़ में फिर जमाजम बारिश हुई और 2 दिन पहले बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होने के बाद देवगढ़ शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में 70 से ज़्यादा पोल गिर गए, साथ ही 20 सड़कें और 10 पुलिया टूट गए हैं। बिजली के करीब 70 पोल गिरने व 15 ट्रांसफार्मर जलने से करीब 40 गांवों और ढाणियों में अंधेरा छाया रहा। इसके बाद बिजली निगम ने करीब 30 घंटे बाद क्षेत्र में बिजली बहाल की, साथ ही 10 गांवों में पेयजल सप्लाई नहीं हो पाई। 33 kV GSS का ट्रांसफार्मर जलने से करीब 6 गांवों व ढाणियों में बिजली सप्लाई शनिवार देर शाम शुरू की गई, साथ ही उपखंड क्षेत्र में करीब 20 सड़कें करीब 35 किलोमीटर तक टूटने से नुकसान हुआ है। पानी के तेज वेग से के कारण करीब 10 पुलिया बहकर टूट गई। खेतों में पानी भरने से किसानों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। देवगढ़ क्षेत्र में करीब 20 करोड़ से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। कस्बे के विद्या निकेतन के पास 10 kV ट्रांसफार्मर पर बिजली गिरने से वह जल गया, साथ ही लसानी में 2, सोपरी में 3, देवगढ़ शहर में 5, काछबली में 2 सहित 15 विद्युत ट्रांसफार्मर जले हैं। विद्युत निगम के सहायक अभियंता नंदलाल मीणा ने बताया कि तेज बारिश के चलते 20 सड़कों के 10 पुलिया और करीब 35 किलोमीटर की सड़कें बह चुकी हैं, जिससे विभाग को करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लसानी से देवपुरा पुलिया, सिम का पाटिया से ठिकरवास पुलिया, कुंडली रोड पुलिया, स्वादड़ी पुलिया कटाव में बह गया। राघव सागर तालाब का तेज पानी आने से सूर्य दरवाज़ा बाहर मुख्य सड़क कट गई। नाद का चौड़ा से लसानी के बीच पुलिया टूटा। कलालों की आती से रासमी सड़क और पुलिया टूटा। सोपरी चौराहे से पाता की आती सड़क व पुलिया टूट गया है। विद्युत निगम के सहायक अभियंता विजय सिंह मीणा ने बताया कि देवगढ़ क्षेत्र में हुई तेज बारिश के कारण लसानी के सप्लाई लाइन में 15 पोल गिरे हैं। करीब 8 गाँवों में बिजली बंद पड़ी है। सूरतपुरा PHD लाइन के 4 पोल गिरने से लाइट बंद रही। सोपरी GSS के 30 पोल गिरे और ट्रांसफार्मर जलने से करीब 12 गांवों में बिजली सप्लाई नहीं हो पाई। सोपरी में 2 ट्रांसफार्मर पानी में डूब गए जो पानी खाली होने के बाद बदल गए, साथ ही 1 DP लाइन के अंदर होने से 11 kV लाइन परिवर्तन करने का काम किया जा रहा है। इस तरह देवगढ़ शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में हालात काफ़ी गंभीर हो गए हैं और उस तेज बारिश का जख्म अब तक नहीं उबर पा रहा है। वो देवगढ़ शहर के साथ ही ग्रामीण भी पूर्ण रूप से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मातृगुंडिया बांध का जल स्तर 21.5 फीट के करीब पहुंच गया है और आज अब कभी भी उसके गेट खोले जा सकते हैं। बनास नदी में पानी की निरंतर आवक होने से मातृगुंडिया बांध का जलस्तर शनिवार रात को 21.25 फीट पहुँच गया। बांध की निर्धारित भराव क्षमता 22.60 फीट है।
ऐसे में नदी में पानी की अच्छी आवक बनी हुई है। इसके चलते रविवार तक बांध निर्धारित क्षमता तक भरने की उम्मीद जगाई जा रही हैं। दूसरी ओर मातृगुंडिया बांध सिंचाई विभाग की ओर से भी कभी भी गेट खोले जाने की संभावना जताते हुए बनास नदी पेटे में किसी भी प्रकार की गतिविधि का संचालन नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। दूसरी ओर बनास नदी में पानी की अच्छी आवक बनी रहने से नदी तट पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है। जगह जगह पानी को देखने के लिए लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इधर कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के चारभुजा गढ़वोर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी शनिवार को झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। दिन में रुक रुक कर काफ़ी तेज़ बारिश हुई और इसके चलते जो गोमती नदी है उसमें पानी उफान पर बहने लगा और उसका असर अब राजसमंद झील तक पहुँच रहा है। राजसमंद झील को भरने वाली खारी फीडर में धायला फीडर के पास अचानक रात को पैनल में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते पानी का रिसाव होने जैसी स्थिति बन गई। इस पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी और वे तत्काल मौके पर पहुंचे। पैनल की यहां पर मिट्टी आदि के कारण समस्या आई थी और इसके चलते फीडर से निकल रहे पानी का लेवल कुछ घंटों के लिए कम किया गया, साथ ही वापस फीडर को 5.5 फीट तक खोला गया है। जल संसाधन विभाग के नाथों द्वारा कनिष्ठ अभियंता दिनेश कुमावत ने बताया कि पैनल के वहां मिट्टी आ गई थी, जिसको ठीक करने के लिए पानी का लेवल कम किया था और उसके बाद जैसे ही वह पैनल ठीक हुआ उसके बाद खारी फीडर में फिर से पूरा पानी छोड़ा गया है। Thank you.